बहुत अच्छा कायदा देशमुख साहब ने लाया था और सबने दिल्ली भी भेजा हुआ है, लेकिन तब मोदी सरकार थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। आज एनडीए की सरकार दिल्ली में है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, उसका हम जाहिर निषेध। करके मैं एकनाथ जी शिंदे को मैं गुजारिश करूंगा कि उन्होंने इसकी पहल करके केंद्र शासन से ये शक्ति कायदा मंजूर कर लेना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के नेता और महिला कार्यकर्ता शक्ति विधेयक को मंजूरी देने में देरी के खिलाफ मंगलवार को राज्य सचिवालय के पास महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने हाथ में पोस्टर लेकर नारेबाजी की और अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा पारित शक्ति विधेयक को मंजूरी दी जाए, जिसमें बलात्कारियों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान है। बहुत दुख की बात है कि शक्ति कायदा जो उद्धव जी की सरकार महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उसमें देशमुख साहब ने ये बिल आगे लेके गए थे, उनके सुझाव बहुत अच्छे थे उस बिल में और उन्होंने ये प्रस्ताव किया था। और उसके बाद बंटी पाटिल जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मंत्री थे, इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, तो सब ने मिलके ये शक्ति कायदा लाया था। और सबसे बड़ी बात है कि एकनाथ शिंदे जी जो आज राज्य के मुख्यमंत्री है, वो भी उस कमेटी में थे, तो सबका सलाह लेके ये बहुत अच्छा कायदा देशमुख साहब ने लाया था और सबने दिल्ली भी भेजा हुआ है, लेकिन तब मोदी सरकार थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। आज एनडीए की सरकार दिल्ली में है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, उसका हम जाहिर निषेध करते हैं। आप इसको किस तरह से संसद में फॉलो अप करेंगी? मैं खुद देशमुख साहब को विनती करूंगी कि देशमुख साहब अगर सब नेताओं गण को, सारे जो इंडिया अलायंस के नेता है उनको अगर जब खत लिखे, तो जब पार्लियामेंट नवम्बर में शुरू होगा तो मैं देशमुख साहब को विनती करूंगी वो दिल्ली आए, सब बड़े नेताओं से हम लोग मिलेंगे, हम पवार साहब को विनती करेंगे कि एक इंडिया अलायंस की वो मीटिंग बुलाए, सबसे शक्ति कायदा के बारे में बात करे, उसके बाद हम सब इंडिया अलायंस से उनसे बात करके विनती करेंगे कि हम लोग साथ जाके इस देश के जो होम मिनिस्टर है उनसे मिले और उनको विनती करे कि ये बिल ला दे। जो हमारी जब उद्धव जी ठाकरे मुख्यमंत्री थे, मैं गृह मंत्री था, हमने जो कायदा बनाया था शक्ति कायदा, जिसके तहत जो भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, बलात्कार होता है या छोटी बालिका के ऊपर अत्याचार होता है, तो ये अत्याचारी को फांसी देने का कायदा हमने बनाया था। 3 साल पहले हमने ये कायदा महाराष्ट्र शासन में पारित किया, विधानसभा विधान परिषद में पारित किया, उद्धव जी ठाकरे के नेतृत्व में हमने कैबिनेट में उसको मंजूरी दिया और कांग्रेस राष्ट्रवादी शिवसेना इन्होंने हमने ये कायदा मंजूर करके केंद्र शासन को अंतिम मंजूरी के लिए भेजा। 3 साल से हमने जो शक्ति कायदा बनाया था वो 3 साल से दिल्ली में सरकार के बाद प्रलंबित है, उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई सरकार ने केंद्र शासन ने नहीं की। करके हम बार बार देवेंद्र फडणवीस जो आज महाराष्ट्र के गृहमंत्री है, मैं माजी गृहमंत्री के नाते देवेंद्र फडणवीस जी को चिट्ठी लिखा हूं, विधानसभा में उनसे गुजारिश की कि केंद्र शासन में आपकी बीजेपी सरकार है, वहां पे आप उसमें पहल करके वो शक्ति कायदा मंजूर कीजिए ताकि इसका इम्प्लीमेंटेशन महाराष्ट्र में कर सकेंगे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस साहब को जोड़ तोड़ की राजनीति से, अपने विरोधियों को ईडी सीबीआई के झूठे इल्जाम में फंसाने से फुर्सत नहीं है। करके मैं एकनाथ जी शिंदे को मैं गुजारिश करूंगा कि उन्होंने इसकी पहल करके केंद्र शासन से ये शक्ति कायदा मंजूर कर लेना चाहिए। सर, अगर ये बिल नहीं लागू होता क्या केंद्र सरकार ये 15-20 दिन में इसकी पहल एकनाथ जी शिंदे नहीं करेंगे, तो हम राज्यसभा में हम माननीय राज्यपाल के यहाँ इसी प्रकार का धरना देंगे। शक्ति विधेयक को उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम रहते लाने की तैयारी में थे। इस विधेयक में महाराष्ट्र सरकार ने रेप के मामले में मृत्यु दंड का प्रावधान किया था, साथ ही महिलाओं पर एसिड अटैक और नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण पर भी कड़े दंड के प्रावधान किए गए थे, लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बनी सरकार इस विधेयक को विधानसभा की मंजूरी नहीं दिला पाई। अब इसी विधेयक को लेकर शिवसेना उद्धव गुट शिंदे सरकार पर हमलावर है और इसे लागू करने की मांग कर रहा है।